नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र से एक दिन पूर्व अपने घर पर खेलते समय 4 वर्षीय मासूम कहीं अचानक से गुम हो गई थी। जब परिजन घर पहुंचे तो बच्ची नहीं थी, जहां आसपास तलाशने के बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने बच्ची की गुमशुदगी दर्ज कर तुरंत बच्ची को तलाशने के लिए आसपास का क्षेत्र के नाले कुएं में भी तलाशी अभियान चलाया, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं लग सका। जब आज परिजन ने अपने घर की पानी की होज को साफ करके तलाशने की कोशिश की तो बच्ची की लाश ऊपर पानी में तैरती मिली, जहां घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को पानी से निकालकर एमवाय अस्पताल भिजवाया। क्या नाम था बच्ची का? सुनाहुली। सुनाहुली। और कौन कौन है परिवार में आपके? मैं हूँ, मेरे एक लड़का है और 2 लड़की और एक वाइफ है बस। कहाँ रहते हैं आप लोग? न्यू रामनगर। और शिकायत करवाई थी पुलिस में आपने? जी। गुमशुदगी की? जी। तो अभी किन्ने देखा इसको होदी में? अभी भी सर अंजाद पर उसके पूरे पानी खाली कर दिए, तब उसके बाद में मालूम पड़ा। आज? जी। कल वल पानी खाली नहीं करा था आपने? नहीं सर, उसमें पहले लकड़ी बहुत गढ़ा है ना सर, तो उसमें लकड़ी डाल के बांस उस देख रहे थे, उसमें मालूम नहीं पड़ा। आज भी देख रहे थे, डाल के मालूम नहीं पड़ रहा था। आप क्या करते हैं? लकड़ी के काम करता हूँ। कहाँ पे? सर ऐसी जहाँ मिल जाता वहाँ कर लेता। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे थे सर। ये कुछ करती थी बच्ची पढ़ाई वढ़ाई? नहीं ये सर तभी छोटी थी, आंगन बड़ी जाती थी खाली। अच्छा, और आपके मकान घर में मिली अभी? जी। बच्ची का दो सेकंड सर, बच्ची का शव मिला है, कब से गायब थी, कब से गुमशुदगी दर्ज थी इसकी? ये 4 वर्ष की बच्ची है, न्यू रामनगर थाना बाणगंगा क्षेत्र की। कल दिन में 3-3:30 बजे के बीच में ये गायब हुई थी, और उसको काफ़ी तलाश करने के बाद, दिन भर रेस्क्यू करने के बाद आज उसका शव उसके घर के पास ही पानी की टंकी के अंदर मिला है। और संभवतः ये हादसा है, बच्ची टंकी का जो ढक्कन था वो खुला हुआ था, उसमें फिसल के गिर गई थी, और उसका भी पोस्टमार्टम करवाया। सर परिजनों को क्या? कोई आरोप नहीं। सर परिजन पिता बोल रहे हैं, वो बोला घर की खुद होती में गिरी है, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? हाँ, उनके घर की पानी की टंकी थी, घर में जो उनका पानी की टंकी थी जी, में वो फिसल के गिरी है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।